রে জনম লে নাই বীর সা ভগবা বীরবুরু রে দানাং কাতে বীরবুরু রে দানাং কাতে বীরবুরু রে দানাং কাতে দিসুম স্বাধীন নাগিনতে ইংরেজ কলো লড়াই কেনা ইংরেজ কলো লড়াই কেনা দিরি আসার খাপিতে চাল কাদহা তোরে জনম লে নাই বীরসা ভগবান ও দাদা দাই রে জনম লে নাই বীরসা ভগবান। বাবা মানে তোমারি রোজগারি গিন দো কন এতবা হে কা গিন দেনা বচ্চা আঁখ সে কুছ সোচতা নহী কিতনা পয়সা ইহীঁ পড়া রহেগা। বাবা কুল মিলা কে 2.5 রুপিয়া উসমে একটু অঠন্নি অঠন্নি তব তো কোই বড়কা আদমি আয়া হোগা কহাঁ হম তো কোই বড়কা আদমি কো নহীঁ দেখে। আরে বড়কা আদমি নহীঁ তো খুদ ভগবান আয়ে হোঙ্গে अठन्नी कोई ऐसा वैसा देगा। अरे चल ये जो तू बिरसा का लड़ाई का गाना सुना ना ये हम अपने बाप से सुनकर सीखे थे और तू जब बड़ा होगा तब ये सब गाना खत्म हो जाएगा मर जाएगा एकदम। का है बाबा? अरे मेला टेला में सुना और खत्म। तस्वीर देखते बखत कोई इतना सब कुछ याद रखता है भला? याद क्यों करेगा, वो लिख कर रखेगा। लिखेगा? अरे कौन लिखेगा, जो लिखना पढ़ना जानेगा तब ना लिखेगा। कोई नहीं लिखेगा रे, और सब सिनेमा का गाना बन जाएगा वही जो मोती बाबू के यहाँ बचता है। कौन लिख लिया और कौन लिखेगा। जो बदमाशी किया तो छड़ी से पीटूंगा। और बदमाशी नहीं तो नदी किनारे नरम नरम घास अरे तुम्हारा खाना खाया रे पागल अरे तुम आजकल के बच्चे अपने पुरखों को देखते तो चित हो जाते। ये चौड़ा सीना पेड़ की डाल जैसे मोटे मोटे हाथ वो भला गोरी सेना से भिड़ते। सोच कर देखो एक तरफ हाथी से खींचने वाली कमान भारी भारी गोला बम बंदूक और गोरी सेना और दूसरी तरफ यूं। क्या बोलो बोलो क्या अब शुरू हुई लड़ाई। झूंड पर झूंड थी साए साए करके छूटने लगे ऐसे जैसे कतार से पंछी उड़ते और चक्कर मारकर उतरे तो लगे जैसे शिकारी बाज पंछी। बादल तीरों की बरसात और हजार धनुषों की टंकार यूं जैसे बाप के चिंगार। घोड़ों ने तो बाप के जन्म में ऐसे लड़ाई नहीं देखी थी समझे।
लिखना पढ़ना सीखा नहीं, स्कूल का मुँह देखा नहीं, लड़ाई की कहानी सुनी नहीं, मोती बाबू के बारा में बंदी रही, दिन में एक बार चलने को निकली, दूध दूध बुद्धू, एकदम बुद्धू। कारी कुछ बोल, बोलना जा मर जा। बाबा मैं पढ़ूंगा लिखूंगा, सब बच्चा लोग स्कूल जाते हैं, अच्छी अच्छी कहानी सुनते हैं। ओ हिमब्रम मास्टर जी का स्कूल में? हाँ बाबा, रोज रोज मोती बाबू की यहाँ बकरी चढ़ाना हमको नहीं सोया था। इतवा रे, मैं क्या नहीं चाहता कि तू पढ़ लिख कर बड़ा हो, पर बिटुआ थाली चाट कर जिनका दिन गुजरता है वो पढ़ लिख कर बाबू बने, ऐसा कभी हुआ है रे? बाबा तुम हमें स्कूल नहीं भेजोगे? भेजने और ना भेजने वाला मैं कौन होता हूँ रे? मोती बाबू के यहाँ अगर काम नहीं किया तो दूठो रोटी भी जुटेगी, जीते जी मर जाएंगे हम लोग। वो सब मत सोच रे बिटुआ, सोचने से दुख बढ़ेगा, वो सब मत सोच, एकदम मत सोच। बाबू हैं घर में? बाबू का संग जरा मुलाकात करना है। कौन है रे? बाबू दया करके इस गरीब को थोड़ा वक्त दियो। ओ तू मंगल का है? उस नाती का कौन टाण बहाना लेकर आया है क्या? नहीं बाबू, एतुआ जैसे आता था आज भी वैसे ही आएगा, पर कल से उसका काम मैं करूंगा। तुम करोगे? काहे कल से वो कौन सा राज का शुरू करेगा है? कल से इतवा स्कूल जाएगा बाबू, उसका पढ़ने लिखने का बड़ा शौक है। शौक सोने के कटोरा के लिए हैं? तो ये सब नाकराबाजी हो रहा है। स्कूल जाएगा, स्कूल स्कूल में पढ़ लिख कर तुम लोग लाल साहेब बनेगा और हम लोग गैया बकरी चराएगा। तुम लोगों के नकराबाजी से तो हम लोगों का घर गृहस्थी का सर्वनाश हो जाएगा। पढ़ना लिखना तो कोई अन्याय नहीं है बाबू। चुप कर। नए अन्याय का मतलब समझता है? समझता तो ऐसा हाल नहीं होता। ऐसा हाल कैसे हुआ, काहे हुआ, बता बताना। अब जुबान में ताला पड़ गया। देख मंगल, तुम लोगों का ये बातचीत बेढंगा, चाल चलन एकदम बेढंगा, सहा नहीं जाता। वो कौन पढ़ेगा लिखेगा और कौन गैया बकरी चढ़ाएगा ये तुम लोग ठीक करोगे या तुम्हारा वो मूर्ख मास्टर हेमरम ठीक करेगा? क्या ठीक करेगा? वो मालिक सबसे ऊपर है, वो ठीक करेगा। बोल बेटा। हाँ माँ। इतनी उम्र हो गई तेरी, दिमाग नहीं खुला, ये सब बातें तेरे बाप के मुंह में अच्छी लगती थी, अब दिन पलट गया। वो भी ये बात आंख मुदने से पहले समझ गए थे। जी जी,
ये बातें मंगल जाकर गांव में फैलाए और वो मास्टर इन सब से अपना बाजार गरम करे तो तुझ में हिम्मत है ये संभालने की? इतना तो मैंने नहीं सोचा माँ। अरे मंगल एतवा का काम करे तो तुझे क्या, झूठ मूठ का झमेला इन छोटे लोगों से। छी छी, कहाँ के छोटे लोग। बहुत बड़ी बात होगी। कौन बतलाएगा? कौन? कौन बतलाएगा उसका बात है? कल मोतीबाबू का बगीचा से फल चुराया जाएगा? नहीं, बलवंत के बहुत पैसा नहीं होगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। गुड्डी उड़ाना भी नहीं। नहीं, कल 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 तो स्कूल जाएगा, स्कूल जाएगा, स्कूल समझा रे। तुम पहले मास्टर जी से बात कर लेना, करोगे ना? हाँ रे हाँ, चल आ चल। मास्टर जी कौन? अरे मंगल चाचा, इतवा आज से आपका स्कूल में पढ़ेगा मास्टर जी। सच? अरे तो जवाब है। तुम एक काम करना, इसका एक सिलेट और पेंसिल खरीद देना, किताब का इंतजाम हम बाद में कर देंगे। मास्टर जी अब से इसका पढ़ाई लिखाई आपका हाथ में है। लड़के का निगरानी रखिएगा। तुम बेफिक्र होकर घर जाओ इतवा। अरे अंदर आ। हमारे देश का नक्शा, इतने बड़े नक्शे में छोटा सा है हमारा राज्य। मान लिया जाए शहर यहां है तो हमारा गांव कहां होगा? यहीं कहीं ना, एक छोटा सा गोला। तो आ इधर बोल तो, ये कौन सी जगह है? ये कोई दूसरा देश है। हंसते गए हो तुम सब, जब पहले रोज यहां आए थे तुम लोगों को मालूम था ये कौन सी जगह है? ये है समुंदर, ये समुंदर, ये समुंदर और यूं समुंदर, तीनों तरफ समुंदर और माथे के ऊपर। बोल, अभी थोड़ी देर पहले जो बताया। हिमालय। बाबा तुम रोते काहे हो? का हुआ है तुमको? ना ना रोता नहीं रे, रोता नहीं, आंख में थोड़ा धुआं घुस गया था
इसीलिए तेरा छुटपन का बात सोचता हूँ इतवा। आज तेरे माँ बाप जिंदा होते तो बहुत खुश होते। बाबा माँ काहे मर गई, हम क्या उसको देखे नहीं? वो तो एक बरस का था रे, उस वक्त का किसी को याद रहता है। पर हाँ, पूरा टोला में तेरे बाप जैसा तीर का निशाना किसी का नहीं था। और तेरी माँ बहुत नेक और बहुत खूबसूरत थी। हमारी बहू गरीबों को आराम हराम है। मोती बाबू चिल्लाएंगे वो क्या अच्छा लगेगा। ना ना, ये बीड़ी का वक्त नहीं, बाद में पीना। चल अभी ये सब काम निपटा ले। सिद्धू कानू की लड़ाई जैसी वैसी ही लड़ा था बिरसा। बिरसा मुंडा, बिरसा भगवान। पर एक बात याद रखना ये तो, अब लोगों का तीर धनुष तुम्हारा पढ़ाई है। पढ़ाई से ही लड़ना सीखोगे, वो दूसरी लड़ाई होगी, इंसान की तरह बचने की लड़ाई। क्या बोला? जाकर खेला कर, तेरे साथी लोग इंतजार कर रहा है। चमक तो कोई ना नुकर नहीं सुनना चाहता, कोई टाल बहाना नहीं। तकलीफ तो होगी, सहना पड़ेगा, पर इस तकलीफ के बदले में जो मिलेगा उसका दाम बहुत गुना होगा, कई गुना। तुम्हारे बच्चे लिखना पढ़ना सीखेंगे, सर ऊंचा करके बड़े होंगे। क्या समझ में आया कुछ? मस्टर्ड जी की बात एकदम खड़ी, सोचना पड़ेगा। सोचने से काम नहीं होगा, जुबान देनी होगी जुबान। जरूरत पड़े तो बच्चों को ज्यादा वक्त दूंगा, पर नियम से पढ़ाना चाहिए। क्या पढ़ने भेजोगे? नहीं भेजोगे तो सारे जिंदगी मोती बाबू, हीरा बाबू, चांदी बाबू कहीं गैया बकरी चराने में गुजर जाएगी। मेरा क्या क्या है? कैसे ठीक रहेगी रे, इतना उम्र जो हो गया। वो सब हमको नहीं मालूम, हम बड़ा होंगे, स्कूल से बड़ा स्कूल में जाएंगे।
उसके बाद एक दिन मास्टर बनेंगे, तब तक तुमको जिंदा रहना होगा, नहीं तो हम तुमसे झगड़ा कर लेंगे। अरे बिरसा भगवान तब तक हमको जिंदा रखेंगे, चल सो जा। गाड़ीवान से कहिए गाड़ी निकल कर ले आए, कंधे पे लाद कर नहीं ले जा सकते? ले का ही नहीं जा सकता, पर गांव में जब गाड़ी है तो गाड़ी पे ही जाना चाहिए। गाड़ीवान, ए गाड़ीवान। हाँ माँ। मास्टर बाबू कुछ रुपया रख लीजिए, दवाई पत्तर में लगेगा। तनख्वाह से रुपया कट तो नहीं लेंगे? अरे छी छी, मुझे कसाई समझ रखा है क्या? इतवा रे, कहाँ गया रे तू? इतवा इतवा, तुम चिंता मत करो मंगल दादा, इतवा का हमरा बेटा नहीं। हाँ, तुम ठीक ठाक होकर आपस आ जाओ, उसे कोई परेशानी नहीं होगी। गाड़ी तैयार है। एक नंबर का हरामी। धीरे धीरे चल, धीरे 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 चल, चल 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 चल। डॉक्टर ने क्या बोला? अस्पताल में रहना पड़ेगा। इट्स ए बैड केस ऑफ मल्टीपल कंपाउंड फ्रैक्चर, उम्र भी ज्यादा हो गई है, ठीक हो जाएगा पर थोड़ा टाइम लगेगा। कितना दिन डॉक्टर बाबू? ढाई महीना तो पक्का, पर पहले एक बात बता देता हूं, पैर में वो ताकत नहीं रहेगी, चल सकेंगे, हल्का काम भी कर लेंगे। बाद में ये मत बोलना कि डॉक्टर ने रोगी को लंगड़ा कर दिया।
लिखेगा? अरे कौन लिखेगा? जो लिखना पढ़ना जानेगा तब ना लिखेगा, कोई नहीं लिखेगा रे, और सब सिनेमा का गाना बन जाएगा। मेरी हंसनी कहाँ उड़ चली। रे तुआ, सुन 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 सुन, तू स्कूल का ही नहीं जाता? बाबू के घर में बहुत काम रहता है। मालूम है स्कूल जाने से पैसा मिलेगा, खाना मिलेगा दोपहर का। अच्छा, लड़ाई अभी खत्म हो गया? मैं अभी भी चल रहा है। बहुत लड़ाई हो गया रे। अब लड़ाई नहीं हो रहा? होगा तो क्या तू लड़ेगा? मेरे पास एक आलू है, आप लेंगे? पहले तू स्कूल आ, जरूर लूंगा। बाबा के पैर टूट गया, काम नहीं करूंगा, घर में भात नहीं। मास्टर जी बुलाए, तू जवाब न देकर भाग गया। बोल काहे भाग कर गया? बोल काहे भागा? बोल बोल बोल। ये सोचा ना कि बाबा आप लौटेगा नहीं, यही सोचा ना? और तुझे वहां पे मोती बाबू के यहाँ काम करना पड़ेगा, यही ना? अरे तेरी पढ़ाई लिखाई अगर बंद करवा दी तो परलोक में बैठी तेरी माँ क्या कहेगी? अरे पर बाबा, मैं फिर स्कूल गया तो तुमको टूटा पहनने के मोती बाबू के यहाँ काम पर जाना होगा। नहीं रे, अस्पताल में लेटे लेटे मैंने सब सोच लिया है। मैं चटाई बुनूंगा, मिर्चा का खेती करूंगा और गुड़ तैयार करूंगा। बाबा, पर खेती में पानी मैं दूंगा। अच्छा, अच्छा। तुमको खींचकर पानी नहीं लाने दूंगा। अच्छा। साथ साथ मैं पढ़ूंगा, लिखूंगा, लड़ूंगा। Thank you.
मास्टर जी। अरे ये तो आ, क्या हुआ रे? मास्टर जी, हम क्या जंगली जानवर है? कौन कहता है? मोती बाबू, अब हम इनका घर में काम नहीं करेंगे। हम भी तेरा जैसा बगान में काम करते थे, पर स्कूल में पढ़ाई भी करते थे। मालूम है घर में कितना झगड़ा करके स्कूल में भर्ती हुए थे हम। मास्टर जी, हाँ फिर से हम स्कूल में पढ़ेंगे? हाँ। अच्छा तो आ, गुड़ मिलने पर इकल्ला खाता है या बांटकर खाता है? सबसे बांटकर खाता हूँ। ऐसे ही करना चाहिए, अच्छी चीज इकल्ले नहीं खाते। स्कूल अच्छी जगह है ना? हाँ? अपने साथी लोग को भी साथ लेकर आना। क्या है? सुशील, आ सुशील, बिरसा मुंडा, हमारा बिरसा भगवान का नाम सुना है? हाँ। उनके बारे में कुछ जानता है? क्या कहा था बिरसा ने? लड़ाई, धमाशाल लड़ाई, बिरसा सिद्धू कानू सब लड़े, लड़ते लड़ते मर गए। उस लड़ाई का कहानी तुझको मालूम है? हाँ, ये सामने गोरी सेना की कमान, गोलंदाज ने गोला भर दिया, ये बंदूक, बंदूक के मुंह में तीखी धार, सेना की गले में टोटा की माला, पैर में भारी जूता, कमर में फट्टा। तू सब स्कूल चल, पढ़ना आएगा तो सब कुछ जान लेगा। पढ़ाई 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 दिमाग में नहीं घुसता है, इसीलिए तो स्कूल जाना पड़ेगा। तो फिर स्कूल जाएगा? तू पढ़ने गया तो मछली कैसे पकड़ेंगे? सब होगा, अब हम अकेले नहीं, मिलकर सब पढ़ने जाएंगे। सब लोग जानता है, पढ़ेगा लिखेगा नहीं तो लड़ाई में हार जाएगा। ठीक है, कल बाबू के घर काम में नहीं जाऊंगा। हम सब स्कूल जाएंगे, हम सब स्कूल जाएंगे, सुबह न रहेगा।